हाय गाइस, आप स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपको बताने वाली हूँ Redmi K20 के बारे में अपना ओपिनियन। एक्चुअल में तो हमारे साथ ये मजाक किया गया है, जिसकी वजह से जैसे कि मेरा आज बर्थडे है, मैं अपनी पार्टी को अपने फ्रेंड्स को छोड़ कर आई हूँ। मैं नॉर्मली अपने बर्थडे पे काम नहीं करती हूँ, लेकिन स्पेशली मुझे आना पड़ा, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा कि ये जो अभी अल्फा सेल आ रही है इसमें आपका कोई नुकसान ना हो। दो डिवाइसेस लॉन्च किए हैं Redmi ने, Redmi K20 और K20 Pro। इस वीडियो में हम K20 के बारे में बात करेंगे, K20 Pro और जो Realme X भी आया उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब जो ये हमारा फोन है K20, इसको मेरे हिसाब से आप अभी ना लें, थोड़ा सा वेट कर लें, इसके रिव्यू आ जाए, पूरी टेस्टिंग आ जाए, मैं भी करूंगी, बाकी रिव्यूअर्स भी करेंगे। आप पहले पूरी तसल्ली से इसकी सारी टेस्टिंग देख लो, उसके बाद ही लेना। कहीं आप जल्दबाजी में ले लो और आपके पैसे वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि अभी फ़ोन लेना ही लेना है, तो उनके लिए Xiaomi की तरफ से ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे पास, जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। डिवाइस है हमारा पोकोफोन F1 और मेरे हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस, उसके अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो इतनी ज़बरदस्त है कि अभी भी आपको ये K20 हो, हमारा Redmi Note 7 हो, कोई इसको कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता। वो नंबर वन है अभी भी इस प्राइस सेगमेंट में। तो अर्जेंट लेना है तो पोकोफोन ले लो, टाइम है थोड़ा तो टेस्टिंग पहले देख लो। Xiaomi ने भी जो अभी ये प्री बुकिंग करवाई थी, ये इसीलिए करवाई थी क्योंकि उसको पता था शायद कि ये फोन तो बिकेगा नहीं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और इस डिवाइस की टेस्टिंग जरूर देखना लेने से पहले। सबसे पहले तो Xiaomi है हमारे इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, वो इसीलिए है क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस लेकर आता है, मतलब कि कम पैसे में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए इनके जो फोन होते हैं वो हमारे नंबर वन पोजीशन पे रहते हैं। मतलब मैं भी जो बेस्ट फोन्स की लिस्ट बनाती हूँ हर महीने, उसमें भी Redmi के डिवाइसेस हमारे नंबर वन पोजीशन पे होते हैं, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल रही हैं कम पैसे में। लेकिन ये जो हमारा Redmi का K20 है, ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। ये जब लॉन्च होने वाला था तो ऐसे था, सबको लग रहा था कि ये 17,000 रुपए के प्राइस में आएगा, लेकिन ये आया है 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस में। 22,000 रुपए का इस डिवाइस का आपको स्टार्टिंग प्राइस मिल रहा है, 6GB 64GB वाला वेरिएंट। तो प्राइस जो है इस डिवाइस का एक्चुअल में ओवर प्राइस रखा गया है, उस हिसाब से फीचर्स इतने बढ़िया नहीं दिए गए हैं। आपको वैसे इस डिवाइस के डिटेल स्पेक्स तो आपने सारी वीडियोस में देख लिए होंगे, क्या क्या मिल रहा है हमें, क्या क्या नहीं मिल रहा। मेरे को आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिवाइस ओवर प्राइस लगा या नहीं लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ओवर प्राइस्ड है। 17,000 के आसपास इसका प्राइस रहता तो ये ज्यादा सही रहता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा हाइब्रिड स्लॉट। हमें इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, मतलब ट्रिपल स्लॉट आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। सब लोगों को ट्रिपल स्लॉट चाहिए ही होता है कि दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सके, लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड ही मिल रहा है सिम। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें और बड़ी दिक्कत के बारे में, तो वो है इस डिवाइस का 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। मेन कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आपको बैक में 48+13+8 का। जो हम 48 वाले की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपको ये मत सोचना कि आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है आपको। Redmi K20 में उससे नीचे वाला छोटा वाला सेंसर मिल रहा है, जो कि है हमारा सोनी का IMX582। मतलब Xiaomi को समझना चाहिए Redmi के Note 7 Pro में, जो कि 14,000 रुपये का डिवाइस है, उसके अंदर हमें IMX586 का सेंसर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो कि वैसे ही ओवर प्राइज्ड है डिवाइस, उससे प्राइस इसका मतलब 17 भी रखते तो भी ज़्यादा था। उसके बाद अभी 22,000 रुपये का डिवाइस है, लेकिन आपको एक नीचा एक छोटा प्रोसेस इसके अंदर सेंसर दिया गया है। और वैसे अगर हम Redmi Note 7 Pro की बात करें तो 5 महीने होने को आ गए, उस डिवाइस के अंदर जो दिक्कतें आ रही थी वो आज भी चल रही हैं। उसकी कैमरा हैंगिंग भी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, ना उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का इशू ठीक हुआ है। मतलब आज भी उस डिवाइस के अंदर जो लोग लेके यूज़ कर रहे हैं वो वीडियोग्राफी में, कैमरा में दिक्कत में है। Xiaomi अभी तक उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो Xiaomi अपने कस्टमर्स की सुन ही नहीं रहा है। जो लोग उसका डिवाइस ले रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में कुछ नहीं सुन रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। नंबर वन पोजीशन पे आया हुआ एक बढ़िया ब्रांड है हमारे इंडिया का, लेकिन कस्टमर्स की तो सुननी चाहिए ना, जो लोग आपका फोन ले रहे हैं आप पे विश्वास करके। अब ऐसा थोड़ी है कि नंबर वन पोजीशन पे आके आप बैठ गए हो अब उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर तो कहाँ जाएगा, आप नंबर वन हो, आपके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन तो बहुत सारी है कस्टमर के पास, आपके पीछे पीछे तो रियलमी चलता है, उसके बाद वीवो है, सैमसंग है,
तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, और जो कस्टमर, जो लोग आपके जो फैंस हैं Xiaomi फैंस, अगर वो किसी ब्रांड को नंबर वन बना सकते हैं, मतलब हीरो बना सकते हैं, तो जीरो बनाने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। आपको समझना चाहिए, जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनकी तो सुननी चाहिए। सो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि इस डिवाइस को थोड़ा सा वेट करो, इसके रिव्यू टेस्टिंग सब लोग डालेंगे और आपको मिल जाएगी टेस्टिंग जल्दी से जल्दी। तो टेस्टिंग देख लो पूरी तसल्ली से, उसके बाद इसको खरीदना, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। आगे मैं आपको K20 Pro और Realme X के बारे में भी बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।